हेलो गाइस, आई एम जाफर कॉलेज वाला और आप देख रहे हैं क्रिकेट का आने वाला। तो भाई साहब, बॉलीवुड वालों अगर मुझे सुन रहे हो तो ईशांत किशन पे एक पिक्चर बनाओ, बहुत चलेगी। क्योंकि ईशांत किशन का इतनी क्यूरियस स्टोरी है ना, ये इसमें थ्रिलर भी है, ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है और सब कुछ है स्टोरी के अंदर। आप देखिए, ईशांत किशन के साथ पिछले साल जो हुआ था वो तो आप सबको पता है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया था, डोमेस्टिक सेटअप से बाहर चले गए थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को फुल इज्जत दूंगा। झारखंड के लिए बच्ची बाबू ट्रॉफी में बहुत सारे रन बनाए, जब दुलीप ट्रॉफी में पिक हुए तो पता चला कि इंजरी हो गई है, तो दुलीप ट्रॉफी से हो गए बाहर। उसके बाद में जब दूसरे बार दुलीप ट्रॉफी के स्क्वाड्स आए टीम इंडिया का बांग्लादेश सीरीज के लिए पिक होने के बाद, उसमें ईशान किशन कहीं नहीं थे। और फिर कल रात को, यानी कि दुलीप ट्रॉफी शुरू होने से ठीक पहले, ट्रेंड होने लग गया जी, ब्रिंग बैक ईशांत किशन, ईशांत किशन को एक और मौका दो, फैंस ही कहने लग गए। और बीसीसीआई ने सरप्राइजिंगली फैंस की सुन भी ली। रात ही रात न जाने क्या हुआ, सिलेक्शन कमेटी ने कॉल दिया और जब सुबह टीम अनाउंस हुई तो पता चला कि यार ईशांत किशन तो टीम में खेल रहे हैं। अब स्क्वाड में नाम नहीं था लेकिन प्लेइंग 11 में था। ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये हुआ है। ठीक है, खेले बखूबी खेले, लेकिन फिर एक एंटरप्राइजिंग सेंचुरी भी बना दी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के साथ। इंडिया बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के साथ एक बेहतरीन वाला शतक भी ठोक दिया है दुलीप ट्रॉफी में वापसी पे, और खुद को इस बात के लिए भी पेश कर दिया है कि अब मैं टेस्ट टीम के लिए भी अवेलेबल हूं। अब बताइए, ड्रामेटिक नहीं है तो क्या है बॉस? ईशान किशन पर बन सकती है या नहीं बन सकती है पिक्चर, आप खुद बता दीजिए मुझे। आप देखिए, ईशान किशन की अगर थोड़ी सी स्टैट्स की बात की जाए, जब तक वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक वो 14 चौके और 2 छक्के की मदद से 103 रन पर खेल रहे हैं 121 बॉल के अंदर। मैच टेलीवाइज नहीं है इसलिए हो सकता है कि वीडियो स्कोर कार्ड आने में थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है कि ज्यादा भी रन बना दिए हो। तो भाई साहब, ये टाइप का परफॉर्मेंस चल रहा है ईशांत किशन का, वैसे परफॉर्मेंस के साथ आपको क्या लगता है, क्या ईशांत किशन वापस से इंडियन टीम में वापसी कर पाएंगे? क्योंकि तो मेरी माने तो यार, ईशांत किशन को एक मौका एटलीस्ट रेड में नहीं तो वाइड बॉल में तो देना ही चाहिए। बिकॉज जब उन्होंने वनडे में 200 स्कोर किया, अगले ही मैच में ड्रॉप हो गए। उन्होंने 2 ODI के T20 के अंदर 2 बैक टू बैक 50 स्कोर की, ड्रॉप हो गए। टेस्ट के अंदर 50 लगाई, अगले ही मैच में ड्रॉप हो गए। तो यार मतलब जस्टिस तो नहीं दिया ना आपने। और उसके ऊपर आपको एशिया कप वाली इनिंग्स याद कीजिए, जब इंडिया बिल्कुल डिबैकल में चली गई थी, तब ईशान किशन ने कैसे आपका रिवाइवल किया था 82 रन की वो शानदार पारी खेलकर। तो फिर यार, इसलिए ईशान किशन को उनका ड्यू मिलना चाहिए। और अगर आप स्पॉट बांट रहे हैं और आपकी टीम में अवेलेबल है स्पॉट, तो मेरे हिसाब से आप तो ईशान किशन की भी बारी होनी चाहिए यार। उनको एक लंबा कंसिस्टेंट रन देना चाहिए। बिकॉज संजू सैमसन की बात ज्यादा होती है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा इनजस्टिस तो संजू सैमसन से ईशान किशन के साथ हुआ है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल क्रिकेट का आने वाले को सब्सक्राइब करें और साथ में लेके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाए। आपके इन छोटे छोटे एफर्ट्स से हमें मिलती है बड़ी बड़ी मोटिवेशन, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें। धन्यवाद। क्रिकेट